क्लास 4 चैप्टर 5 द मैजिक पॉट. सो दिस बेसिकली दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ लिटिल माइथोलॉजी रिलेटेड बिकॉज इट हैज़ सम माइथोलॉजिकल टच इन टू इट. दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स सम यक्षास. यक्षास आर द हेवनली बॉडीज. These are the guards who protects the treasure of the gods. तो ये जो हैं ये खजाने की रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं जिनको यक्षास कहा जाता है. सो ये उनके बारे में है कि सुब्बदत्ता जो कि इसका मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, उसको यक्षास मिलते हैं और वो उसको कुछ गिफ्ट देते हैं. ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये ली गई है कथासरित सागर से और ये बहुत 11th century की यानी 11वीं सदी की बहुत जानी मानी कथाओं में से है जिसमें बहुत सारे कहानियां हैं, जिसमें फेरी टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं. और ये किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है. चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. इन पाटलिपुत्र देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर कॉल्ड सुब्बदत्ता. पाटलिपुत्र में एक बहुत गरीब लकड़हारा यानी वुड कटर रहता था जिसका नाम था सुब्बदत्ता. वन डे व्हेन सुब्बदत्ता वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट ही सॉ 4 यक्षास ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ्स एंड शाइनिंग ज्वेलरी. एक दिन वो जब लकड़ी काट रहा होता है वो 4 यक्षास को देखता है अपने जंगल में अपने आसपास जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े और चमकदार ज्वेलरी पहन रखी थी. इफ़ दे गेट एंग्री विद मी दे विल कर्स मी. अगर ये मुझसे नाराज़ हो गए तो ये मुझे श्राप दे सकते हैं. तो सुब्बदत्ता क्या करता है? सुब्बदत्ता ये सोचकर डर जाता है और उसके पैर कांपने लगते हैं. हाउएवर दीज यक्षास वर काइंड पीपल. लेकिन ये जो यक्षास होते हैं ये बहुत विनम्र लोग होते हैं, बहुत आराम से बात करने वाले. वो उससे बात करते हैं सुब्बदत्ता से बहुत जेंटली कि आप कौन हैं. सुब्बदत्ता बताता है मैं सुब्बदत्ता हूँ एक लकड़हारा. तो यक्षास कहते हैं, यक्षास इसके कपड़ों की तरफ देखते हैं, इसके पतले जिस्म की तरफ जो कि बहुत कमज़ोर जिस्म है इसका, उसकी तरफ देखते हैं और कुछ सोचते हैं कि क्यों ना इसकी मदद की जाए. वो उससे कहते हैं कि हमारे लिए एक महीने के लिए काम करो और हम तुम्हें इतना इनाम देंगे कि तुम कभी ज़िंदगी में भूखे नहीं रहोगे. तो सुब्बदत्ता कहता है, बट व्हाट अबाउट माय फैमिली. मेरी फैमिली का क्या होगा? टुनाइट वी विल सेंड यू टू योर वाइफ इन अ ड्रीम. आज रात हम तुम्हारी बीवी के सपने में भेज देंगे. यू विल टेल हर दैट यू आर सेफ एंड दैट यू विल रिटर्न आफ्टर अ मंथ. तुम उसे बताना कि तुम सही सलामत हो और एक महीने के बाद लौटोगे. इन द मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप, और सुबह को जब वो उठती है, शी विल फाइंड मनी एंड क्लोथ्स बाय हर साइड. उसे अब कपड़े और पैसे अपने पास रखे हुए मिल जाएंगे. तो सुब्बदत्ता राज़ी हो जाता है खुशी से, कहता है ठीक है फिर तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा करूँगा. सुब्बदत्ता वेंट विद यक्षास, वो उनके साथ चला जाता है. दे बेद इन द रिवर, वो वहाँ पर नहाते हैं पानी में, नदी में. ही हेल्प देम ड्रेस इन सिल्क विच दे प्रोड्यूस आउट ऑफ नो वेयर. वो उनको कपड़ों को देने में, कपड़े उठाने में उनकी मदद करता है जो कि वहाँ पर जादू से प्रकट किए गए थे. अब देन ही लेड आउट देयर गोल्ड प्लेट्स विच टू दे प्रोड्यूस मैजिकली. और वहाँ पर फिर वो जादू से लाई गई प्लेटों को बिछाता है. सोने की प्लेटें होती हैं जो कि, लेकिन वहाँ कोई खाना नहीं था. देर इज़ नो फूड माई मास्टर्स. सुब्बदत्ता कहता है कि यहाँ तो कोई खाना नहीं है. तो वो कहते हैं, यक्षास उनमें से एक यक्षा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, टेक दिस पॉट, ये लो ये घड़ा लो. एंड ही गेव सुब्बदत्ता ब्यूटीफुल पॉट, पुट योर हैंड इनसाइड एंड मेक अ विश. इसके अंदर अपना हाथ डालो और कोई विश मांगो, कोई जो तुम चाहते हो वो इसमें मांगो. वट एवर यू वॉन्ट विल कम आउट ऑफ इट. जो तुम चाहोगे, जिसकी तुम कल्पना करोगे, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा. सुब्बदत्ता थॉट ऑफ डिलिशियस पुलाव एंड ही पुट हिज हैंड इन द पॉट. लो एंड बिहोल्ड, उसने अपना हाथ पुलाव का, अपने जहन में पुलाव का ख्याल रख के उसने अपना हाथ मटके में डाला, उस घड़े में डाला और फिर वहाँ रोका अपना हाथ. और जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला, ही हैड राइस इन हिज हैंड. उसके हाथ में क्या थे? चावल थे. देन ही थॉट ऑफ मीट एंड अदर टेस्टी फूड्स. फिर उसने मीट और अन्य टेस्टी खानों के बारे में सोचा जो भी उसके सामने
एकदम से प्रकट हो गए। ही पुट द फूड ऑन गोल्ड प्लेट्स, उसने खानों को सारे डिशेस को अपने प्लेट्स पर रखा और फिर उसने इन सब चीज़ों को भेजना शुरू करा, उनको खिलाया। व्हाट अ वंडरफुल पॉट, ही सेड आफ्टर द मील, उसने खाने के बाद कहा कि ये कितना अच्छा पॉट है, ये तो बहुत अच्छा है। सुभद्रता वर्क विद द यक्षास फॉर अ मंथ, उसने उनके साथ एक महीने तक काम करा। देन वन डे दे सेड हिम, फिर एक दिन उन्होंने कहा, यू हैव सर्वड अस वेल, तुमने हमारी बहुत सेवा करी, वी विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क फॉर, हम तुम्हें वो देंगे जो तुम मांगोगे। मांगो क्या मांगते हो, उन्होंने सुभद्रता बोला, आई विल टेक द मैजिक पॉट माई मास्टर्स, मैं ये मैजिक पॉट लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये मैजिक पॉट चाहिए। इफ़ यू ब्रेक द पॉट इट विल रिटर्न टू अस, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो ये दोबारा हमारे पास आ जाएगा, कुछ और मांग लो, यक्षराज ने उनसे कहा। पर सुभद्रता ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ ये पॉट ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो दे इन्वाइटेड 100 गेस्ट, नो देन टेक इट, तो यक्षराज ने कहा, चलो अगर तुम्हें ऐसा ही है तो तुम ये ले सकते हो, और उन्होंने वो पॉट उसको दे दिया। सुभद्रता टुक द पॉट, उसने पॉट उठाया और वो अपने घर चला गया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हुए वापस आने पर। ही शोड देम द मैजिक पॉट, उसने उनको वो मैजिक पॉट दिखाया और उसके अंदर से अच्छे अच्छे नए नए जेवर उनको निकाल कर दिखाए, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही अचंभित हो गए थे। लेट अस हैव अ फीस्ट फॉर ऑल द नेबर्स, उसने कहा, सुभद्रता ने कहा अपनी बीवी से कि चलो क्यों ना हम अपने पड़ोसियों के लिए एक दावत का इंतज़ाम करें। बट डोंट टेल देम वेयर द फूड कम्स फ्रॉम, लेकिन उनको ये बताना नहीं कि ये खाना कहाँ से आता है। तो उन लोगों ने एक दावत का इंतज़ाम किया। सो दे इन्वाइटेड 100 गेस्ट एंड सर्व देम द मोस्ट डिलीशियस फूड दे हैड एवर ईटन, उनको अब तक का सबसे अच्छा खाना उनको परोसा और उनको सबको खाना खिलाया 100 गेस्ट को बुलाकर, अबाउट 100 गेस्ट। यू आर जस्ट अ पुअर वुड कटर, वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाय सच गुड फूड, उनके आए हुए जो गेस्ट थे उनमें से एक ने बोला, तुम तो बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास इतना अच्छा खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। तो फिर सुभद्रता ने बोला, सुभद्रता अंदर ही अंदर खुश होते हुए और मुस्कुराते हुए बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। ही वॉज अफ्रेड दैट समवन वुड स्टील हिज पॉट, उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं कोई उसका ये पॉट चुरा ना ले। बट द नेबर्स वर क्यूरियस, लेकिन जो पड़ोसी थे वो बहुत जानने के लिए उत्सुक थे। वो लोग उससे पूछते ही रहे कि सुभद्रता हमें बताओ कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा खाना आ गया। सुभद्रता अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपनी सारी चीज़ों को का बखान करना यानी उनको दिखावा करना शुरू कर दिया। ही ब्रॉट द पॉट आउटसाइड एंड सेड, वो पॉट को लेकर आया उन सबके सामने और कहने लगा, देखो ये यक्षराज ने मुझे मैजिक पॉट दिया है, ये जादुई पॉट है, इसके अंदर मैं जो मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है, और क्योंकि मैंने इनके लिए इतना काम किया है तो इसलिए उन्होंने मुझे ये पॉट दिया। सुभद्रता उस पॉट को लेकर डांस करने लगा। एंड देन हॉरर ऑफ हॉरर्स, द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक, और अचानक वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, सबसे डरावनी चीज़, वो डांस करते हुए उसके हाथ से पॉट स्लिप हुआ और गिरकर टूट गया। ही क्विकली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीसेस टू पुट देम टुगेदर अगेन, वो फौरन उसके टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके एकजुट करने लगा। लेकिन एक मिनट के लिए सबने उस पॉट को देखा एंड देन इट वैनिश्ड, और फिर वो गायब हो गया। सुभद्रता रोने लगा, इफ़ ओनली आई हैड नॉट बीन फूलिश इनाफ टू बोस्ट अबाउट द पॉट इट वुड स्टिल बी हेयर, व्हाट अ फूल आई एम, अगर मैंने इसके बारे में इस तरह सबको दिखावा ना किया होता तो ये पॉट अब तक मेरे पास होता, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ये सोचकर सुभद्रता अफसोस करने लगा। बट नथिंग कुड ब्रिंग द पॉट बैक नाउ, अब किसी तरह से भी वो पॉट वापस नहीं आ सकता था। सुभद्रता ने बहुत कोशिश करी कि जंगल में जाकर उन यक्षराज को दोबारा देखा जाए और मिला जाए, लेकिन वो दोबारा उसको कभी नहीं मिले। दैट वॉज द चैप्टर अबाउट, थैंक यू।